अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे और बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ वो मैं शाह लतीफ़ स्टेशन पर लेके आया हूँ, शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ का विज़िट कराया था, तो यहाँ पर जो है वो ट्रैक्स का मेंटेनेंस का काम जारी था, ट्रैक्स को मेंटेन करा जा रहा था, जितना भी कुछ वहाँ पर मिसिंग थे ट्रैक्स वगैरह उसको डाला जा रहा था। और मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, वो पहले भी आप लोगों को विज़िट कराया था, तो वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेशन जो है वो तैयार हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है स्टेशन, लेकिन पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टेशन पर काम जारी था, तो मैं आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ। ट्रैक्स का तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टेशन अभी तैयार नहीं है, तो स्टेशन पर काम बहुत तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये स्टेशन भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टेशन की सूरत हाल, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो कैमरामैन अब स्टेशन दिखा दे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म उस दिन भी नहीं बना हुआ था और अब जो है प्लेटफॉर्म को खोदा गया है और इसके ऊपर दोबारा से फर्श डाला जाएगा। जैसे कि आप लोग पहले मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं था और अब इधर भी काम स्टार्ट हो चुका है और इसको भी फर्श डाला जाएगा यहाँ पर पूरा। और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो बेंचेस अभी आई हैं वो भी अभी उतर रही हैं बेंचेस, और वेटिंग एरिया जो है वो वहाँ पर बना दिया गया है, वेटिंग एरिया भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को दिखाता चलूं, यहाँ जो है वो बेंचेस आ चुकी हैं और बेंचेस जो है वो लगेंगी, तो पहले जो फर्श डलेगा फिर उसके बाद बेंचेस लगा दी जाएंगी, उसके ऊपर ही फिट कर दी जाएंगी। और ये शेड है, शेड भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो है यहाँ पर काम तेज़ी से जारी है, लेकिन जो है वो मेरी नज़र में जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ है काम, और एक हफ्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा कम, जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते का काम नहीं है स्टेशन बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ। और मैं एक हफ़्ते बाद आया हूँ तो वैसी की वैसी सूरत हाल देख रहा हूँ, और काम बहुत स्लो हो रहा है। मैक्स इसको एक महीना तो मैक्सिमम यहाँ से ट्रेन चलने में फेस वन में लगेगा, तो हम आगे और मूव करते हैं, आ जाए। अच्छा जी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, ये जो है यहाँ पर जो बना रहे हैं ये लेवल के ठीए बना रहे हैं, लेवल के ठीए है ना। अच्छा, जब फर्श डलेगा ना तो ये पूरा जो लेवल होगा एक सा रहेगा, इससे पहले जो है वो पहले ये बनाया जाता है फिर उसके बाद फर्श डाला जाता है, तो अच्छी बात है और बहुत अच्छी तेज़ी से। कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में? तकरीबन ये 8-10 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, 8-10 दिन में हो जाएगा, इनके बकौल इनके 8-10 दिन में ये हो जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। जी, तो मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाता चलूं, ऊपर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर का व्यू ऐसा है, इधर से मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये ऊपर का व्यू है। और यहाँ जो है वो पहले छत नहीं डली थी,
तो अब जो है यहाँ पर छत भी डल गई है, तो मैंने कहा ऊपर आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ के आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो लतीफ़ स्टेशन पर सारी फैक्ट्रीज हैं, आप लोग देख सकते हैं, और ये मेरे पीछे आप लोग सारे काम अभी चल रहे हैं, और काम बहुत स्लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो है। मैक्स जैसे कि कह रहे थे जनवरी में 15 जनवरी को चला दी जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। 15 जनवरी से फेस वन में ट्रेन नहीं चली है, तो फिर आगे कैसे चलेगी? तो हम आगे मूव करते हैं। आजा अच्छा जी, ये था पूरा, आपको मैंने विज़िट करा दिया शाह अब्दुल लतीफ़ स्टेशन पर, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं तख्ती है, और आप लोग देख सकते हैं कि मज़दूर कितनी स्पीड से और कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो इनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इनके लिए एक लाइक ज़रूर दे दिया करें, और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। फिर मिलते हैं किसी और स्टेशन पर, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ियामन अल्लाह हाफिज़।